और मैं आप लोगों को एक अपने तरफ से एक टिप देना चाहती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि मैंने किया है। और बाय द एंड ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स, जो पूरा 4.5 इयर्स का कोर्स होता है, मेरा तो डिले होकर 6 इयर्स चला गया था। मेरे ना सप्लीमेंट्री थी, ना मेरी बैक लगी कभी, हमेशा ही मेरे मार्क्स जो थे अच्छे आए हैं। और उसके बाद भी 6 इयर्स तक वो डिले हो गया कोर्स मेरा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लेने में इतना डिले करती थी। सो भले वो हुआ, लेकिन मेरे पास हमेशा से ही एक बेनिफिट था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एलिना मिशेल एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बहुत सारे बच्चे थे, इन फैक्ट आई टेल यू, इन अ पॉपुलेशन ऑफ, आपकी क्लास की पॉपुलेशन मेरी क्लास की थी 70। सो उन पूरे 70 बच्चों में से बहुत सारे थे हु वॉन्टेड टू कीप द प्रैक्टिकल थिंग एट द लास्ट। जब इंटर्नशिप आएगी तब करेंगे, जब पोस्टिंग लगाएंगे तब करेंगे, कॉलेज वाले जब पोस्टिंग यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे, आपको उसका वेट नहीं करना है। तो हमारे यहाँ पे 3rd और 4th ईयर में जो है पोस्टिंग्स लगनी चालू होती हैं। पोस्टिंग्स लगना मतलब कि दूसरे 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 हॉस्पिटल्स में एक महीना, आधा महीना, 15 डेज या 2 मंथ्स, 3 मंथ्स ऐसे भेजा जाता है आपको, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, ऐसे करके, लेकिन कॉलेज आवर्स में ही, और वो सिलेबस का ही पार्ट होता है। तो वो आप लोगों को डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, अगर आपका खुद का कॉलेज का हॉस्पिटल नहीं है या फिर सही एक्सपोजर नहीं है, तो वो आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेजेंगे पोस्टिंग लगवाकर, और उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बट मेरे केस में आ गया था कोरोना, कोविड आ गया था, तो हम लोगों को इनफ प्रैक्टिस करने को नहीं मिला। ऐसे कंडीशन के लिए हमको वेट नहीं करना है कि हमारे कॉलेज वाले जब हमको भेजेंगे तब हम जाएंगे, तब हम प्रैक्टिस करेंगे। डोंट डिले इट, क्योंकि भले आपको मिल जाता है प्रैक्टिस करने को, बट व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने फर्स्ट ईयर को पढ़ाई करो अच्छे से। फर्स्ट ईयर के बाद सेम ब्रेक जो आता है सेकेंड ईयर में जाने के पहले, तो उस टाइम पर आप अपना एक क्लिनिक ढूंढो, ठीक है। कोई भी आसपास के लोकेशन पे, आपके घर के आसपास, आपके कॉलेज के आसपास, कोई ना कोई अच्छा, जिसमें सिर्फ मशीन 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 ना सिखाया जाए, क्योंकि बिलीव मी फिजियोथेरेपी का मशीन से रिलेशन बहुत कम है। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर 100% है, तो एक मशीन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपका पेशेंट को रिलीफ दिलाने में, तो वो कुछ 20-30% तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं। मेन एक्सरसाइजेस, रिलीज टेक्निक्स और डिफरेंट मैनुअल थेरेपी, वो सारी चीजें होती हैं। सो आप अपना 80% तो कवर करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ उस 20% पे ध्यान दे रहे हो, इट्स नॉट गोना बी वर्थ इट, एंड यू विल बी इन दैट क्राउड ऑफ पीपल जो कि फिजियोथेरेपी को बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो 80% को डिस्कवर ही नहीं किया होता है। 20% मशीन के बेसिस पे वो कोशिश करते हैं कि ये इजी दिख रहा है तो हम इसको ट्रीट करें। हमें ये चीज नहीं करनी है, हमको मैनुअल थेरेपी और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करना है। सो आप एक अच्छा क्लिनिक ढूंढो जो कि एक एक्सरसाइज को सिखाए, जो कि स्किल्स को, एक्सरसाइज को फोकस करके आप किसी पेशेंट को ठीक कर सकते हो, उसके मूवमेंट को रीगेन करवा सकते हो। उस क्लिनिक को आप ज्वाइन करो ऑब्जर्वेशनशिप के अंदर, क्योंकि आपको अभी ना वर्क करना अलाउड है, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट लीगली अलाउड। तो हमारे को सिर्फ एक क्लिनिक में ऑब्जर्वेशनशिप करनी है, जिसमें कि आप एक ऑब्जर्वेशनशिप के लिए जाओ, आप जाकर सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपका जो मेंटर रहेगा वो सब कुछ करेगा, एक्सरसाइज करवाएगा, पेशेंट को ट्रीट करेगा, वो सारी चीजें टेक्निक्स करेगा। यू ऑब्जर्व, यू आस्क द क्वेश्चन, अ गुड मेंटर जो कि एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट है, वो आपको पढ़ने के लिए बोलेगा उन चीजों को, कि जो भी आपने पेशेंट देखा है उसके बारे में पढ़ाई करके आओ, तो उस तरीके से आप कोरिलेट कर पाओगे। इतने बेसिक लेवल से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पास आउट अगर आप होकर तब से मेहनत करना चालू करोगे, तब से मेहनत नहीं, एक्चुअली अंडरस्टैंड करना चालू करोगे ना कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि आपके पास कोई अब जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 इयर्स कंप्लीट हो गए अब तो जल्दी जल्दी सब सीखना है, नहीं, आपके पास कोई जल्दी नहीं। आप आराम से 2 घंटा 1 घंटा आराम से क्लिनिक जाओ और जाकर अपने उस डेडिकेटेड टाइम पे पढ़ाई पूरी करके जाओ, उसके बारे में बैक क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, नॉलेज को लेके जाओ, और फिर अपना वो टाइम पे उतने एक्सपोजर लो,
ऑब्जर्व करो उन पेशेंट्स को, अपने मेंटर के हर एक इंस्ट्रक्शन पे वो पेशेंट को कैसे हैंडल करता है, उन सारी चीजों को डीपली एनालाइज करो। और तो एक चीज और करना कि जब आप ये करोगे ना तो हमेशा एक डायरी मेंटेन करना। मेरी हमेशा से एक डायरी रही है जिसमें मेरे डे वन के जो पेशेंट्स हैं तब से मैं हर एक डिटेल जो मैं उस टाइम पे फर्स्ट ईयर की होकर जो मेरी लेमन लैंग्वेज में मैं लिख सकती थी, ये वाला पैर ऐसे करके मूव करना है, ये इसको यहाँ करना है, इसको हम ये बोलते हैं, इस तरीके से आप हर चीज अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो। हर चीज को करेक्ट मत सोचो कि सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, नहीं, अपनी लेमन लैंग्वेज में जो समझते जा रहे हो उन चीजों को नोट डाउन करो। पेशेंट की डिटेल्स नोट डाउन करो कि उसको क्या पेन है, उसको क्या प्रॉब्लम है, काय का पेशेंट है और आप उसके बारे में क्या सीख रहे हो नया, ये सारी चीजों को नोट डाउन करो अपनी डायरी में एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस, इन नोइंग योर स्किल्स, इन नोइंग फ्रॉम वेर हैव यू स्टार्टेड एंड नाउ वेर आर यू। तो आप उन सारी चीजों को बहुत डीपली बेसिक से अंडरस्टैंड कर पाओगे, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू वर्क ऑन दैट स्किल। तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा अपने पेशेंट्स को इजिली ट्रीट करने का। Hey guys, thank you for watching the video till here and I have an update and an announcement to make. So, I just wanted to give a huge shout out and a virtual hug to this awesome name suggestion, that is Your Physio Girl. So yes, we have changed our channel name from Your Desi Girl to Your Physio Girl. This creative name was suggested by Akanksha Upadhyay, and Akanksha, you are a genius. I loved your creativity and also all of you who commented different name suggestions. Guys, you are the brains behind it. I really loved your comments and I am so grateful for all of your inputs. Loved all the names and I hope you all like this name, Your Physio Girl. Keep on commenting, keep on telling me and I will be giving you shout outs like this because I love you all so much. So grateful for this new channel name and yeah, thank you. Meet you guys in the next video. Till then, I love you all so much.